कोर्ट का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव होता है जो वर्ष में एक बार होता है। हमारे यहाँ टोटल इनरोड मेंबर्स 24,000 हैं। 24,000 में से हमारे जो 3 मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि पहले वो डिक्लेरेशन जमा करेंगे, वोटर होने के लिए 5 उनके पास केसेस होने चाहिए हर महीने का, और हमारे पास रेगुलर सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं, वो मेंबरशिप भी जमा करते हैं, उन्हीं को हम वोटर बनाते हैं। और इन कंडीशन पे मात्र 10,000 लगभग वोटर्स हमारी लिस्ट बनी हुई है। 24,000 वोटर्स में से अब मेंबर्स में से सिर्फ 10,000 वोटर्स हमको सेलेक्ट किए गए हैं और उसके लिए उनके बीच हम चुनाव करा रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया को हमारे यहाँ जो महिला वोटर्स हैं और प्लस जो डिग्नेचर सीनियर्स हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो नॉमिनेटेड हैं, उनको हमने एक रो से परमिट किया है, और 30 साल से ऊपर के जो मेंबर्स हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको हमने दो नंबर की रोड दिया है। इसके अलावा हर मेंबर्स हर रो में 650 की एक रो बना रखी है, उनके सबके कंप्यूटर सीरियल नंबर से हमारे जो बैलेट पेपर नंबर दिए गए उसके हिसाब से सबको अरेंज किया गया है। सुरक्षा के लेकर के हमने दो तरह की व्यवस्था की है, सीआरपीएफ की व्यवस्था है, सिविल पुलिस की व्यवस्था है। पूरा हमारे यहाँ सीआरपीएफ भीतर राउंड पे है और पुलिस के सारे प्रशासन के सारे जितने अधिकारी हैं सब राउंड पे लगे हुए हैं। बाहर भी हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उनकी हमने इसलिए बाहर एक कैंप लगवा रखा है। उसके बाद गेट के बाहर भी हमारी सुरक्षा लगी हुई है और सिर्फ वही वकीलों को हम परमिट कर रहे हैं जिनके पास हाईकोर्ट बार का आईडेंटिटी कार्ड है और प्रॉपर ड्रेस में है। उनकी एंट्री सिर्फ गेट नंबर 3, 3A, 3B, 4A, 4B से ही है। दूसरी बात, सारे हम अपने चुनाव प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए, क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हमारा सीसीटीवी कैमरा हर सेंटर लेन में लगी हुई है। इसके अलावा जितना भी कार्य हम लोग कर रहे हैं बैलेट पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारी प्राइवेट एजेंसी करा रही है। वकीलों की एक पूरी टीम हमारी 150 लगभग है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे उनके सुपरविजन में, उनकी देख रेख में पूरा चुनाव हो रहा है। हम अपने स्तर से जितना अथक प्रयास, काउंटिंग अभी हम हो सकता है कि कल हम एक दिन रेस्ट देते हैं, कल के बाद हम एक दिन रेस्ट देने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बस परिचय बता, ये मिस्टर चीफ रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर, मैं वशिष्ठ तिवारी रिटर्निंग ऑफिसर, ये मिस्टर आर.एस. जैदी साहब हैं, बी.एम. जैदी साहब हैं, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ये मिस्टर चंदन शर्मा हैं, चंदन शर्मा इलेक्शन ऑफिसर। अरेंजमेंट हमारे यहाँ जितना एक इलेक्शन करने का होता है वो पूरे अरेंजमेंट हमने किए हैं, सारा इंतजाम है हमारे पास। और जो कैंडिडेट है वो भी जो है पांच हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और वो भी हमें सबको जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनका फुल कोऑपरेशन है, सुबह से इलेक्शन पीसफुली चल रहा है। हमारी टीम में 5 लोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर और है, उन्होंने सुबह से शाम तक हम लोग ठीक पीसफुली इलेक्शन कराने की कोशिश है पूरी और वो हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी तरह। सब चीज का पुख्ता इंतजाम है, हर चीज जो है कंप्यूटराइज है, सब सीसीटीवी है, सारी चीजें हैं, पुलिस फोर्स का पूरा इंतजाम है, वैसे भी जो है सीआरपीएफ भी है, सारे इंतजाम है, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस हमारे इलेक्शन में अभी तक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस बार के चुनाव में कुल 28 पदों के लिए वोटिंग हो रही है, 206 उम्मीदवार मैदान में है। मतदान को लेकर जो वोटर्स वकील है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम पोलिंग सेंटर पर मौजूद है, हाई कोर्ट कैंपस में जो स्टेडियम है उसी में ये पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुल 16 बूथ बनाए गए हैं, इनमें से एक बूथ सीनियर एडवोकेट और महिलाओं के लिए है, जबकि 15 जो बाकी बूथ हैं वो बाकी वकीलों के लिए हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम से वोट डाले जा रहे हैं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पीएससी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर वीएम जैदी का दावा है कि इस बार जो है चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं, हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और यहां पर ये जो मंच आप देख रहे हैं, इस मंच पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए तमाम दावे किए गए हैं। हमारे साथ तमाम जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है वो है, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुराग जी आप आ जाइए, बताइए कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, सुबह तकरीबन 9 बजे से वोटिंग चालू है, पुलिस व्यवस्था करीब 9,000 के ऊपर सारे वोटिंग करें, सब कुछ शांतिपूर्वक।
हमारे साथ जो मौजूदा पदाधिकारी हैं बार के अमलेंदु जी, वो भी मौजूद हैं। अमलेंदु जी से जान लेते हैं, बताइए निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी डीएम जयदी जी के द्वारा 5 चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सहायक के रूप में लगभग 150 अधिवक्ता जो सहायक चुनाव अधिकारी जानवर है वो नियुक्त है। लगातार जिस प्रकार से हम लोग की जो पार्किंग है वो हाईकोर्ट से 200 मीटर दूरी पे ही गाड़ियां रोक दी गई हैं। इसके अलावा गेट नंबर 4 और 5 जो प्रवेश किया जा रहा है मात्र अधिवक्ता ही प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जहाँ पे पोलिंग बूथ है वहाँ से 50 मीटर दूरी पे ही सारे अधिवक्ता रुके हुए हैं। 50 मीटर के बाद ही सिर्फ वोटर मात्र अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे VPT मशीन के द्वारा पहले पर्ची मिल रही है, उसके बाद उनका पूरा चेक किया जा रहा है। जिस बूथ पे पर्ची ले रहे हैं उसी बूथ पे मात्र उनको जो है बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं, और बैलेट पेपर भरने के बाद गोपनीय तरीके से पंडाल बनाए जिसमें अपना मार्क कर दे रहे हैं 28 प्रत्याशियों के नाम, पीछे बैलेट बॉक्स बने। आप बताइए कि आपका नाम विकास जी है, विकास जी आप बताइए कि काउंटिंग कब से शुरू होगी, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ काउंटिंग की व्यवस्था आज शाम को 5 बजे जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद सब बैलेट बॉक्स को सुरक्षित रखवाया जाएगा। कल डिसाइड होगा कि कल शाम से काउंटिंग होगी या परसों से, वो भी हमारे सब अधिवक्ता बंधुओं के बीच से ही काउंटिंग की जाती है, वो भी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से काउंटिंग की जाती है। इसमें कोई विवाद कभी भी नहीं रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए किस तरीके का उत्साह है वकीलों में वोटिंग को लेकर। देखिए ये हमारे हाई कोर्ट का एक बड़ा बहुत बड़ा पर्व है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। शांतिपूर्ण से सुबह से मतदान हो रहा है, किसी प्रकार से कोई अराजकता नहीं है और लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ जो आरोपी में लिया गया है बीएम जयदी साहब, वशिष्ठ भाई साहब, इन लोगों के सहयोग में हम लोग हैं और पूरी तरह से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, आप देखेंगे पूरा बूथ 200 से ज्यादा CCTV कैमरे से लैस है, एक भी चीटिंग होने की संभावना नहीं है। 200 RO हैं जो लगातार बूथ पर नजर रखे हुए हैं, शांतिपूर्वक 50% हो चुका है और होने वाला है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोटिंग की जा रही है, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जगह जगह पर यानी चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और मतदान को लेकर जो वोटर्स हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो आज मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बैलेट बॉक्स हैं उन्हें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में रख दिया जाएगा। कल एक दिन का अवकाश रहेगा, उसके बाद 5 अप्रैल से वोटों की गिनती शुरू होगी और वोटों की गिनती पूरी होने में कई दिनों का वक्त लग जाता है। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।